मम्मी फिर से जूता लेके बैठ गई रहा था आपका। अरे हाँ मम्मी आलू जल रहे हैं। बच गया। पानी तो है ही नहीं मम्मी, मैं तो पानी फुल भर के उबालता हूँ आलू। किसने रखा ये आलू? क्या कर रही हूँ? घर बारे? हाँ मैं पार्किंग गेट खुला रखने गया था। मम्मी को इसलिए तो बोला लॉक करो अंदर से, पार्किंग गेट खुला था, कार पार्क के अंदर पड़ी थी ना, पार्किंग के अंदर, घर के अंदर। अरे कालू मामा पानी पी रहा है मेरा बिट्टू। पानी पी येलो वाटर, कालो नहीं, कालो मामा पिए येलो वाटर, पी लो पानी। एक तो काले टिक्स है ना काली बॉडी पे दिखते नहीं है। ओए रुक जा, कुछ तो है ये रहा, हाथ लगा नहीं पता चल जाता। ओहो बाय वन गेट वन फ्री दो है, राम नाम सत्य है। मम्मी ने सारे कपड़े यहीं पे रख दिए मेरे, अब इनको समेट समेट के अंदर रखना पड़ेगा। इनको सुबह सुबह आज लेके नहीं गए ना बाहर, अच्छा है एक दूसरे के साथ खेल रहे, बॉडी एक्टिविटी हो रही है। अकेला डॉग होता तो बेचारा बोर हो जाता, इसलिए मैं कहता हूँ अगर डॉग लेना है तो दो ले, ताकि आप बिजी हो तो वो दोनों अपने आप में फ्री रहे। अरे गधेड़ा तू बच्चा नहीं है रॉक्सी, तू बच्चों की माँ है। ये क्या हरकत की, तेरे बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं करते। ओए पांडा गधेड़ा छोड़, पेडिग्री नहीं, फिर पेडिग्री देनी पड़ेगी सच में, पेडिग्री की आदत मत लगा। नो नो बोल, नो बेटे नो नो नो, रॉक्सी खेलने के लिए नहीं पकड़ा है, जा अंदर यहाँ से, क्या देख रही पेडिग्री। राधा जाना अंदर, पेडिग्री मिल रही है सबको, देना राधा को यहाँ पे देना। आ गई, अरे रे रे राधा को स्पेशल दो भाई। गोचकू कालू मामा गया फिर से मंदिर में, एक और टिक्स मारा वहाँ पे विकेश ने। किसने किस दिया आपको? रादुड़ा बदमाश हो रहा तू, क्या हुआ कालू तू तो बेचैन क्यों हो रहा है बेटू? पांडा बाबू साइड हो जाओ, अभी फाइट हो जाएगी। राधा किस किस को संभालू मैं, क्या है रादुड़ा हाथ पकड़ पकड़ के पप्पिया दे रही है। कालू पानी पीना बेटू, रुक जा ले बेटा, रुकते रहे पानी चेंज करता हूँ। पानी वेस्ट नहीं गया, पौधों में जाता है, हटो रहा बिना चड्डी वालों। सब अच्छे से उबले, वाह बढ़िया मजा आएगा आज। कालू मामा पानी पी ले, राधा पी रही सबसे पहले। कहाँ गया झाड़ू? मम्मी अभी तो झाड़ू था। अरे तेरे कहाँ से निकाला? करो करो सफाई करो, कूलर कर दूँ कालू मामा की तरफ। रुक जाओ बच्चों, अब अच्छे से हवा आएगी, लो पर है तब भी हवा वहाँ मंदिर से आगे तक जाती है। आ जा राधा, गेट पूरा खोल दूँ। गाड़ी में बैठना बेटू, गाड़ी में चलो, गाड़ी अंदर लेनी है ना पार्किंग में। राधा रुक, तेरे टिक्स है, टिक्स 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 टिक्स, रुक जाओ। पीछे कौन बैठा? घुस जाओ, वेरी गुड। पांडा को गेट खोलना आता है ना, इसलिए बाहर से लॉक करके जाता हूँ। पता नहीं पिछले जन्म में चोर था साहिब पांडा, कहाँ गया ये रहा। क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो था वहाँ पर, इनकी पुरानी जगह मम्मी, आपने उनके जगह पे कब्जा किया है, वो पांडा पहले से टॉयलेट वहीं पे करता है, आपने गमला बीच में रखा तो गमला बीच में आ रहा है। अभी तो सुधर नहीं, बड़ा सुधारू कैसे मैं इनको, फिर स्कूल भेजू क्या, कहाँ गया ये रहा। आइटम बम साफ कर लिए हैं, मम्मी झाड़ू निकाल रहे हैं, मतलब आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों बोले जा रहा हूँ। पसीने में हालत खराब हो गई, मैं तो जा रहा हूँ मेरे नहाने के लिए, फिर कालू मामा को लेके जाना है रूम के अंदर। पीले पीले पानी पीले बच्चों, तुम बाहर रहो, कालू मामा पानी नहीं पी पा रहा है। राधा रॉक्सी पंजे देख रहे हो, पंजे ऐसा लग रहा है जैसे सूज पहन के चलता है कालू मामा, व्हाइट कलर के। कालू मामा पानी पी के साइड में जाएगा तब जाके राधा पानी पिएगी, बड़े की रिस्पेक्ट करती है राधा। ये यूं ही है, मस्ती से पानी पीना पसंद है इसको, शांति से थोड़ा 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 करके पिएगी। किसी दिन बच्चे मम्मी का फोन तोड़ेंगे ना तब समझ में आएगा मम्मी को। मैं हमेशा बोलता हूँ मम्मी जब फोन छोड़ के जाते हो तो ऊपर हाइट में रखा करो, या नीचे मत रखो विकेश का फोन। ये क्या गधेड़े है पढ़े लिखे अनपढ़, ये सबसे बड़ी गधेड़ी, क्योंकि छोटी थी ना यहीं पे बैठती थी तब ये यहाँ पे फिट हो जाती थी, बट अब ये गधेड़ी समझ नहीं रही कि ये बॉडी इसकी बड़ी हो चुकी है, यहाँ फिट नहीं हो रही है,
फिर भी यही घुस के बैठना है। सर बाहर है तो है। ये मेरे ऊपर वाला रूम है और मम्मी यहाँ पर सफाई करने आए थे तो पता चला कि यहाँ के अंडे फूट चुके हैं। इस चिड़िया ने अंडे दिए थे छोटे छोटे, यहीं पे दिए थे, तो मैंने ये रजाई फिर छेड़ी भी नहीं, इस रूम को ऐसे ही रहने दिया। और चिड़िया यहाँ से अंदर आती रहती है। अंडे देने के बाद पता चला तो मैंने छेद भी बंद नहीं किया, ये वाला छेद यहाँ से आती है और यहीं पे अपने बच्चों के साथ रह रही थी। बहुत दुख हुआ यार, कितने टाइम से मैं देख रहा था रोज, अंडे सेफ थे बट फाइनली टूट गए। ये यहाँ पे इसीलिए मैं गेट बंद करके रखता हूँ, इससे ये पूरा यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि बच्चे ऊपर ना आए। बाहर का गेट खुला रहता है फिर भी बबलू यहीं पे आके पॉटी करता है, पता नहीं क्यों, बट मम्मी इसको खोल देते हैं बार बार, तो वो आइटम बम वहाँ पे गिरा देता है। क्या कर रहे हो मेरे बच्चों? नीचे आ रहा हूँ सॉरी गलती हो गई, बुलाया, नीचे आ रहा हूँ बच्चों, चल मैंने तेरा देख लिया आइटम बम ऊपर। रॉक्सी को अंदर जाना है, गेट खोल, जाओ बेटा। मम्मी के रूम में सोती रहती है, ठंडा है ना रूम, दिन पूरी रात एसी चालू रहती है, फर्श पूरा ठंडा है। अरे वो सोफा पीछे कर, सोफा पीछे कर, पोटी पड़ी है यहाँ पे, किसने की पोटी? ओ तेरी, इरादा ने की होगी। वो पीछे कर, विकेश रॉक्सी को उस तरफ जाना है, इसको पूरा पीछे कर। हाँ रॉक्सी जा, कहाँ गई ये रही, आप जा। अरे हाँ रुक जा, इसको हटा देते हैं, रॉक्सी इसके पीछे से चली जा, बस वेलकम, मुझे पता तूने थैंक यू बोला। अरे कैसी है यार, मैं तो जा रहा हूँ मेरे नहाने के लिए। ओ तेरी, मम्मी ने कपड़े यहीं सुखा दिया मेरा, नहाने के बाद उल्टा और ज़्यादा गर्मी लग रही है, उमस जैसा फील हो रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है? चूहा है, कुत्तरने की आवाज आई, छोड़ो। ये सबसे ज्यादा क्यूट है, छोटा सा, इसके अंदर माउस भी है यार। और हाँ एक खास बात, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। YouTube पे 1600 प्लस वीडियो अपलोड है मेरी, वो सब मैंने मोबाइल से ही किया है, वॉइस ओवर नहीं करता। लाइव बोलना, एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ फोन से। अब कालू मामा को अंदर लाने की बारी। भाई कौन बैठा है बाहर? राधू बेटा, सॉरी बेटा अंदर नहीं आ सकता। कूलर चालू है। कालू मामा, और कालू मामा चल बेटा अंदर, तुझे लेने के लिए आया बेटा, इसी चालू कर दिया, जा। रात को 1 बजे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, गधेड़ा बच्चा, प्यारा बच्चा, गोचू 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 गोचू। अब मैं मेरा कुछ काम कर लूँ, काम तो कुछ नहीं करना, मुझे काम सीखना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है। मम्मी तब तक खाना बना रहे हैं, लाइट बंद कर दूँ ताकि कालू मम्मा आराम से सो पाए। पेट गुड़गुड़ कर रहा है, पता नहीं आलू के पराठे कब बनेंगे। अरे तेरे, सबके सब बाहर बैठो, चलो बेटा बाहर ही आ रहा हूँ। मम्मी पेट गुड़गुड़ कर रहा है, कितनी देर और हो गया? ये क्या बनाया आपने? दलिया रखा है, अच्छा, वाह यार। ओ तेरी, आलू का मसाला मस्त है यार, अभी से मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी से बना लो। मम्मी तुम सब यहीं बैठो बेटा, दरवाजे के बाहर मत बैठो, मुझे दया आती है, फिर कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाता मैं। यहाँ कूलर चालू है फिर भी गर्मी में बैठना है तुम लोगों को। पानी खत्म हो रहा है कूलर में, विकेश को बोलते हो कूलर में पानी भरे। 2 सिक्योरिटी चेकअप है इस रूम में आने के लिए। कालू मामा अभी तक सो रहा है, प्यारा बच्चा, भूखा पेट मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा है। लाइट बंद कर दे, तो मैं तो डोरीमोन देख रहा हूँ।
टाइम पास कर रहा हूँ। खाना रूम में लेकर आ गए मम्मी। आलू की सब्जी भी है और दही भी है। मैं यहाँ खाना खा रहा था और मैंने भी एक चीज नोटिस करी कालू मामा की। पहली बार कालू मामा का ये रूप दिखा। जस्ट लास्ट में कोने से ना एक बग आया टिक्स, चलते चलते कालू मामा खड़ा हुआ और उसे खा गया। छोटा सा जो मैंने भी मारा था उसी साइज का। ये नई चीज पता चली कालू मामा की। तभी मैं सोचू कालू मामा के बॉडी के ऊपर टिक्स क्यों नहीं है यार। मैं मतलब ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो अनपढ़ है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। बट कालू मामा समझदार कितना है, इसको पता है कौन सी चीज खराब है कौन सी सही, अपने आप को साफ सुथरा और सही कैसे रखना है। मेरे बच्चों को मुझे संभालना पड़ता है, कालू मामा को संभालने की जरूरत नहीं। मेरा खाना तो हो गया, अब कालू मामा के लिए रोटी लेकर आता हूँ। सॉरी सॉरी बच्चों, मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं मम्मी बस पेट फुल हो गया। क्या करूँ बेटा, पहली बार बच्चों से इतना दूर रह रहा हूँ, वो भी घर के अंदर। गंदा लग रहा है पर करूँ क्या, काम सीखना भी जरूरी है। ये बच्चे बाहर ऐसे अकेले रहते ना, बोर होते ना, मुझे बहुत गंदा फील होता है। इनका चिपकना, इनका चाटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेड के ऊपर खेलना, बबलू तो मेरे ऊपर ही आके बैठ जाता है, छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर। प्यारा बच्चे घतेड़ो। कालू मामा मस्त सो रहा है इसी में। अरे हाँ रोटी है मम्मी। अच्छा एक रोटी बना दो कालू मामा के। ठीक है कालू मामा, ला जा बाहर आ जा, सुसु कर ले, चल चल चल। ए तू बाहर चल, चलो पंडा बबलू बाहर चलो बेटा, कालू चिड़िया का भी लाओ। कालू बाहर आ, चल चल गधेड़ा। राधू तू भी बाहर चल बेटा, तू कोई स्पेशल नहीं है, बाहर चल। चल कालू मामा बाहर आ जा बेटा, चलो 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 चलो। नहीं चलना है, ठीक है यहीं बैठ, फिर मैं रोटी लेके आ रहा हूँ। राधू बाहर चल बेटा, नहीं चलो बाहर चलो। अभी तक टांग ऊपर करके बैठा है, नहीं सॉरी सो रहा है। विकेश ना रहा है, विकेश को बोलूंगा रॉक्सी को सुसु करवा के आ जा, क्योंकि मैं नहीं जा सकता कंप्यूटर छोड़ के, मतलब एक कंप्यूटर वाला रूम छोड़कर, क्योंकि कालू मामा शायद ऊपर नीचे चढ़ गया, कंप्यूटर को नुकसान कर दिया तो फिर वहाँ। कालू सुसु नहीं कर रहा है, सुसु करवा के आ जाऊँ। ये कालू मामा की रोटी ठंडी हो गई, साइड जाओ तुम लोगों के लिए नहीं है। रॉक्सी खाओ खाओ मत कर, मम्मी देना मत, मोटी हो रही है। कहाँ गया कालू, जा पहले सुसु कर के, तेरी रोटी यहाँ रख दू। इधर काला हो जाएगा, धूप में ज्यादा मत घूम, जल्दी आ जाना वापस। कौन है? अरे वो गधा है, देख गधेड़ है कि नहीं मेरे बच्चे। अब आप हंसना मत, पता है? अरे मेरे चप्पल खोल दिया रॉक्सी, क्या कर रहे हो यार? ये पता है किसके ऊपर बोबो कर रहे हैं? हंसना मत, ये इस गधे के ऊपर बोबो कर रहे हैं, गधेड़ है, गधा है। अरे रुक, तेरे ऊपर टिक्स है, टिक्स है, टिक्स। रुक रुक, कोई नहीं बेटा, कालू मामा रुक जा। अब देखो इसलिए मैं कालू मामा को ना अंदर लेके जाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं कि गेट खुला हो, इसको बाहर जाना हो तो ये कहीं से भी जा सकता है। अभी तो पता नहीं कब कूद के जाएगा, नींद में जंप नहीं करेगा इतनी। ले इधर यहाँ से चला जा, चल वहाँ से क्यों जा रहा, रोटी लेके आए बेटा। अरे वाह रे वाह गधेड़ा, अच्छा पेडिग्री खाएगा। गर्म है बेटा, यहाँ गर्म है, जरा अंदर अंदर चलते, कोई खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। देखो 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 पैर जल रहे इसके, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी सुसु कर ले बेटा, बाद में दूंगा खाना। चलो अंदर चलो पांडा बबलू, अंदर चलो। कालू गुस्सा हो रहा, चल अंदर। ये ले बिट्टू, ले इधर आ, उसमें दे दूँ, आ जा खा ले। फिर टाइम पे सुसु करके आ जाना, ये बाहर निकाल निकाल के खाएगा वैसे भी। ये ले बिट्टू खा ले। अरे अंदर है बेटा, कोई नहीं है। अच्छा कालू रॉक से देखते कहाँ जाता है सीधा। अच्छा अब यही सोएगा। रॉक्सी पानी पी ले, अभी चेंज किया थोड़ी देर पहले। टिक्स चल रहा है, टिक्स मर गया। गधेड़े दोनों पेडिग्री चले जा। खाने के लिए कुछ भी करेंगे, मेरे को तो पता नहीं, मैं ढक्कन दिया नहीं है। और पांडा इसके अंदर से खाने लग गया था, चोरी करने लग गया था। हट, पांडा ने एक्स्ट्रा खा ली तो फिर मैंने बबलू को थोड़े से वहां दे दी, पांडा को नहीं दी थी, पांडा ने उसके अंदर से खा ली थी। चल रहा फिर से लड़ी होगी तुम दोनों की। गधेड़ा नहीं जाऊंगा, रूम में नहीं जाऊंगा, बाहर ही बैठूंगा बेटू, बस उनको संभालने वाला कोई है नहीं। ये भी नीचे पड़ी ना पेडिग्री का डब्बा, इतना भरीज गया कूलर, 90 लीटर से ज्यादा है, 24 घंटे में दो बार ये खाली हो जाता है। ओए रॉक्सी पाइप निकल जाएगा, साइडो साइडो गधेड़ी। अब वहां कहां घुस रही बेटा, उस तरफ से चली जाना, बाल दिखा रहा तुम लोग। अरे क्या गिरा दिया रादुड़ा, क्या कर रहे हो तुम लोग, साइड जाओ गधेड़ो, चल अंदर चलो बेटा। उधर नहीं, इधर 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 रॉक्सी आजा। राधा नहीं, तू नहीं तू नहीं तू नहीं, तू अंदर ही रुक। रॉक्सी ने भी सुसु कर लिया, बच्चों के लिए यहाँ पर और कालू मामा के लिए वो वहां पर पानी की तपेली भर के रख दी ताकि आपस में फाइट ना हो। अब मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं खुद ही बैठूंगा अपने बच्चों के पास। पांडा जस्ट मेरे पास हो रहा है, बबलू ये आया और राधा मम्मी के पास है, रॉक्सी मेरे नीचे बैठी है।
दो घंटे के लिए क्या गया कंप्यूटर चलाने। बच्चे परेशान हो गए मेरे, पता नहीं क्यों है मेरा नेचर ऐसा, मेरे से देखा नहीं जाता। मेरे बच्चे बोर होते ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आ गई बदमाश, जबरदस्ती आके बैठ गया, वहां से घूम के ऊपर आया और यहाँ से सीधा गोदी में आके बैठ गया। अनकंफर्टेबल है फिर भी बैठना यहीं पर है। ये गदड़ी बार बार हाथ से बुलाती रहेगी कि प्यार करो। पूरी रात मैं यहीं पे सोया, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई उमस के वजह से। थका हुआ हूँ, सुबह जल्दी उठा हूँ, बहुत सारे काम किए और नींद भी पूरी नहीं हो रखी है, तो अभी मैं सो रहा हूँ दोपहर में। अब एक घंटा रेस्ट करूंगा, उसके बाद बच्चों को घुमा कर आऊंगा या बच्चों के साथ खेलूंगा। लगभग ऐसे ही रहता मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर फॉर एनिमल्स, सब्सक्राइब करके जाना एकदम फ्री है।